नमस्कार स्वागत है आप सभी का ई विद्या चैनल नंबर टेन पर मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी आज कक्षा दसवीं के छात्र हिंदी का एक पाठ पढ़ेंगे इस सत्र में बहुत ही इम्पॉर्टेंट पाठ है और बहुत ही अच्छा पाठ है और टॉपिक की बात अगर मैं करूं तो टॉपिक है संस्कृति भदंत आनंद कौशल्याण और इस विषय पर हमारे साथ जुड़े हैं हमारे आज के एक्सपर्ट हमारे आज के मेहमान हमारे स्टूडियो में सबसे पहले हम अपने एक्सपर्ट का आप सभी से परिचय करवाते हैं हमारे साथ हैं एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर नरेश कोहली जो भाषा शिक्षा विभाग सी आर में है और आ, सर आ, आपको इस पाठ को पढ़ाएंगे और आगे बढ़ने से पहले कुछ ज़रूरी सूचनाएं कुछ ज़रूरी जानकारियां अपने दर्शकों अपने छात्रों को दे दें आप हमसे जुड़ सकते हैं मोबाइल नंबर के माध्यम से ईमेल एड्रेस के माध्यम से अपने प्रश्न या अपनी प्रतिक्रियाएं इस पाठ या इस विषय के संबंध में हम तक प्रेषित कर सकते हैं और ये है डबल एट डबल ज़ीरो डबल फोर ज़ीरो डबल फाइव नाइन मोबाइल नंबर है और इसके साथ साथ मोबाइल नंबर के अलावा आप ईमेल के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं ईमेल एड्रेस भी आपको बता दें dth.class10@ciet.nic.in और इन माध्यमों से इस इंटरेक्टिव लाइव सेशन में आप जुड़ेंगे इसके आ, साथ साथ हम सत्र की शुरुआत करें इन जानकारियों के साथ शुरुआत करें से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट रिगार्डिंग जी ट्वेंटी We are proud that India assumed the G20 presidency and is convening the G20 Leaders Summit for the first time in the country in 2023. A nation deeply committed to democracy and multilateralism, India's G20 presidency uh, is a watershed moment in her history as it seeks to play an important role by finding pragmatic global solutions for the well being of all and, in doing so, manifesting the true spirit of Vasudhaiva Kutumbakam. और द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली तो भारत पूरी दुनिया को पूरे विश्व को एक परिवार मानता है वसुधैव कुटुंबकम की भावना मूल भावना यही है और इसी भावना के साथ भारत आ, के लिए ये गर्व का क्षण है जब जी ट्वेंटी की अध्यक्षता कर रहा है और इसका कार्यक्रम अब नई दिल्ली में शुरू हो चुका है आज से और 10 सितंबर तक जारी रहेगा दुनिया के दिग्गज नेता पहुँच चुके हैं फिलहाल शुरुआत करते हैं आज के सत्र की सर संस्कृति क्या है सबसे पहला प्रश्न मेरा यही रहेगा जी धन्यवाद देवेंद्र जैसा आपने पूछा ये एक अपने आप में बड़ा रोचक सा सवाल है जी कि जब भी हम संस्कृति को परिभाषित करने की या जानने की कोशिश करते हैं तो उसकी कोई एक सामान्य परिभाषा देना बेहद मुश्किल हो जाता है क्योंकि संस्कृति शब्द जितना आपस में सहज रूप में या जितना ज़्यादा प्रयोग किया जाता है उतना ही उसको मुश्किल है एक दो पंक्ति में परिभाषित करना जी इसके साथ साथ एक शब्द और भी है जो उतना ही सहज लगता है और लेकिन उतना ही जटिल भी है वो है सभ्यता ये संस्कृति और सभ्यता ऐसे दो शब्द हैं जो देखने में और प्रयोग करने में हमें ऐसा लगता है कि सामान्य है लेकिन जब हम इसको जानने की कोशिश करते हैं तो इसकी जो विभिन्न प्रत्यय हैं कि जो आप इसकी लेयर्स है जो आप इसके अंदर एक एक जैसे ही कहेंगे तो वो दूसरा उससे जुड़ा हुआ होगा और जब वो दूसरा आप उसको समझेंगे तो उसमें कोई और अर्थ भी निहित होगा तो लगातार हमें ये देखने की ज़रूरत है कि संस्कृति अगर मैं सीधे सीधे शब्दों में कहूँ और सामान्य शब्दों में कहूँ एक आरंभिक रूप में अगर हम इसको जानने की कोशिश करें तो जैसे हम हैं एक सामान्य परिभाषा की तरह देखिए ये कहा जाता है कि जो हम हैं वो हमारी संस्कृति है और जो हमारे पास है वो हमारी सभ्यता है ये ये सुनने देखने में इतना आसान लग रहा है जी। लेकिन है नहीं और इसी को लेके आज का हमारा जो पाठ है और कक्षा दस के जो विद्यार्थी हैं वो पाठ भी इसी से संबंधित है और इसके जो लेखक हैं वो अपने तरीके से संस्कृति को परिभाषित करने की हमें समझाने की और उसके क्या क्या अर्थ हो सकते हैं और उसकी सही दिशा क्या हो सकती है ये कुछ बिंदुओं की ओर इस पाठ में इशारा किया गया है जी, जी तो आ, संस्कृति शब्द जो है सभ्यता भी उससे जुड़ा हुआ शब्द है जैसा कि सर ने बताया लेकिन संस्कृत का पाठ जब आप पढ़ें तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि उसको अपने साथ रिलेट भी करें जैसा कि आपने कहा कि हम जो है वो हमारी संस्कृति है तो उसको अपने से अपने जीवन से और अपने आसपास के समाज से जोड़ करके जब देखेंगे तो संस्कृति सर ने बताया कि बहुत व्यापक है बहुत वृहद है लेकिन फिर भी आपको समझ में आने लगेगा कि संस्कृत का वास्तविक अर्थ क्या है फिलहाल आज के पाठ की शुरुआत करते हैं जी हाँ पाठ की शुरुआत अगर हम करें तो अक्सर हम कहते हैं कि भाई जब भी किसी रचना के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं जैसे ही संस्कृति पाठ को ही लें तो एक सहज अपेक्षा होती है सहज जिज्ञासा होती है कि हम उसके लेखक कवि जो रचनाकार है उसके बारे में भी कुछ बातें जरूर जान लें उससे होता क्या है कि उस रचना के पीछे रचनाकार की जो मानसिकता है जो पृष्ठभूमि है वो हमें समझ में आने लगती है और उसके शायद जो सही अर्थ है, वो भी कई बार खुलने लगते हैं जैसे अगर हम इसी पाठ की चर्चा करें संस्कृति की ही तो इसके लेखक भदंत आनंद कौशल्यान जी हैं जो कि एक हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक हैं चर्चित और बहुत ही ज़्यादा मान्य एक बौद्ध के रूप में भी उनका परिचय हमें मिलता है लेकिन अगर बौद्ध भिक्षुक एक हिंदी साहित्यकार के हम उनके जन्म स्थल और उनकी पृष्ठभूमि में जाने तो आनंद जी का जो जन्म है वो पंजाब में जिसको आज उस समय का जो पंजाब था और अंबाला था आजकल का ये जो मोहाली वाला एरिया है उसके पास एक गांव है आ, सोहाना वहाँ पे जन्म 1905 में हुआ 5 जनवरी 1905 में और इनका बचपन का नाम क्योंकि ये बाद में बौद्ध भिक्षुक हुए तो उनके बचपन का नाम हरनाम दास था और इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा पंजाब के साथ साथ लाहौर का जो नेशनल कॉलेज था वहाँ से बीए किया और फिर बाद में अपनी हिंदी की पढ़ाई भी की इसके साथ साथ इनका जीवन थोड़ा सा आरंभिक रूप संघर्ष में रहा लेकिन जब अपनी पढ़ाई के साथ साथ ये देश दुनिया को इनको जानने की जिज्ञासा हुई तो ये अपने घर से निकले और कहना चाहिए कि ज्ञान की ही तलाश होगी शायद वो और वो पहुंच गए श्रीलंका तक अपने बौद्ध उसको एक कहिए बौद्ध बनने की जो प्रक्रिया थी वो श्रीलंका में जाके इनकी पूरी होती है इसके साथ साथ इनके जीवन पे एक वो देखिए जो समय था इनकी युवा अवस्था थी वो हमारे स्वाधीनता आंदोलन की भी वही 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 समय है और इस इस दौरान ये स्वाधीनता संग्राम में भी सक्रिय रहे और साथ ही साथ अपना जो अध्ययन और उनकी घुमकड़ी थी वो भी जारी रही और इनके जीवन पे दो लोगों का प्रभाव अक्सर कहा जाता है दो के बाद फिर तीसरा नाम भी है कि एक तो महात्मा गांधी का बहुत असर इन पे आपको दिखाई देगा साथ, साथ इनके जो आरंभिक गुरु कह लीजिए या जिनको इन्होंने फॉलो किया एक तरह से वो राहुल सांकृतानंद जी वो भी एक बौद्ध भिक्षुक बहुत, बहुत चर्चित और बहुत बौद्ध साहित्य को पूरा एक तरह से खोए हुए बौद्ध पूरी साहित्य की दुनिया को वापस हमारे सामने लाने वाले थे खैर अगर हम बहुत विस्तृत संसार है इनका भी अनुभव का भी देश विदेश का भारत का और वही चीजें इनके साहित्य में भी रिफ्लेक्ट होती है वही चीजें हमें इनके लेखन में भी दिखाई देती है अगर इनकी कुछ चर्चित पुस्तकों की वैसे तो दर्जनों पुस्तकें हैं लेकिन कुछ चर्चित पुस्तकों की भी अगर हम चर्चा करें जैसे क्योंकि ये भिक्षुक हैं तो भिक्षु के पत्र नाम से इनकी एक चर्चित रचना है जो भूल ना सका ये भी आप देखेंगे हमारे साथ ही साथ ही साथ आह ऐसी दरिद्रता है गरीबी का कहीं ना कहीं दंश वो उसमें दिखाई देगा बहानेबाजी यदि बाबा ना होते रेल का टिकट कहाँ क्या देखा जो अंतिम है देखिए कहाँ क्या देखा ये दरअसल जैसे मैंने कहा कि वो घुमकड़ी वाला मामला है कि इनके यात्रा वृत्तान्त संस्मरण आपको लगातार दिखाई देंगे और वो आपको इनके लेखन का जो अंदाज है वो बिल्कुल सहज है कि ये कहाँ गए क्या देखा किस तरीके से इन्होंने उन चीज़ों को समझा जैसा मैंने एक चीज़ और हमारे साथी इसको भी जाने कि जैसा मैंने आरंभ में कहा कि गांधी जी का कहीं ना कहीं इन प्रभाव था और हिंदी के लिए इन्होंने बहुत निष्ठा से कार्य किया खास तौर से जो बौद्ध साहित्य था जो पाली में हमें अवेलेबल था उसको हिंदी में अनुवाद करने का काम इन्होंने बहुत निष्ठा से किया तौर से इसमें भी एक विशिष्टता देखिएगा कि बौद्ध साहित्य में जो जातक कथाएं हैं वो बेहद चर्चित हैं और क्योंकि वो मूलतपाली में हैं तो उसका हिंदी में अनुवाद इन्होंने किया और एक चीज जो हिंदी के प्रचार प्रसार की जो मैं बात कह रहा हूं वो वर्धा हमारी जो राष्ट्रभाषा भाषा प्रचार समिति है उसके अध्यक्ष रहे ये साथ ही साथ एक दूसरी संस्था जो हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग है उससे भी जुड़े रहे अब अगर इनका इतना विस्तृत संसार है अनुभव का तो ये इन्होंने जो बड़े विषय हैं वो भी अपने तरीके से देखे और उन्हीं में से एक विषय जो हमारे साथी या बच्चे पढ़ना इस इसको पढ़ेंगे वो है संस्कृति जैसा आपने शुरू में भी पूछा और मैंने बताया कि संस्कृति और सभ्यता बेहद इनका इस निबंध का पहला ही वाक्य है कि संस्कृति और सभ्यता एक दो ऐसे शब्द हैं जो सर्वाधिक प्रयोग किए जाते हैं लेकिन उतने ही समझने में थोड़े से जटिल है इस पाठ का यही उद्देश्य है जैसा कि इसमें अगर आप देखेंगे कि अगर इस निबंध में हम मुख्य बिंदु देखेंगे तो एक तो यह कि सभ्यता और संस्कृति के जो जटिल प्रश्न हैं वो कैसे हम समझे उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं दूसरा कि सभ्यता और संस्कृति है क्या ये भी बताने की कोशिश करते हैं तीसरा इसमें ये कहा गया है कि जो सभ्यता है दरअसल वो हमारी संस्कृति का परिणाम होती है तीसरा चौथा इसके अलावा अगर हम किसी संस्कृति को और ये तो मानव संस्कृति को कह रहे हैं वो दरअसल टुकड़ों में नहीं देखनी चाहिए वो अविभाज्य वस्तु की तरह है वो उसे हमें संपूर्णता में समझना चाहिए और एक अंतिम सवाल जो इसमें बार बार और सबसे महत्वपूर्ण लगता है कि अगर कोई संस्कृति अगर कोई सभ्यता कल्याणकारी नहीं है अगर वो मनुष्यता मानवता के लिए कल्याणकारी नहीं है तो वो दरअसल ना तो सभ्यता है और ना ही संस्कृति है इसलिए अगर हम इस निबंध को क्रम से आगे पढ़ेंगे तो ये बातें हमारे सामने धीरे धीरे खुलती जाएंगी कि सभ्यता क्या है संस्कृति क्या है और किस तरह की होने चाहिए इसमें इन्होंने देखिए ये भी एक तरीका होता है कोई भी रचनाकार अपनी बात सामान्यतः इसी ढंग से कहता है पहले या तो वो कोई जैसे कहते हैं ना सूत्रात्मक शैली में कि या तो पहले वो परिभाषा जैसा कुछ कह देगा या वो बहुत सारे उदाहरण देगा और फिर उसमें से कोई हमें सूत्र निकाल के देगा कि ये शायद इस तरह की बात है यानी कि ये सिद्धांत है वो देखिए वही जो शब्द हम बात कर रहे हैं शुरू से इस पाठ की चर्चा में कि अगर दो ही लाइन पढ़िए कि जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका उपयोग होता है सबसे अधिक ऐसे दो शब्द हैं सभ्यता और संस्कृति ये जिस बात की जो सबसे हमारा पहली चीज़ जो हमें कहिए कि प्रेरित करती है कि इनको समझने के लिए और बड़ी रोचक बात ये है कि ये कह रहे हैं कि इतना ही नहीं अक्सर होता है क्या है कि हम केवल सभ्यता और संस्कृति बोल के नहीं रुक जाते बल्कि उसके सामने कोई विशेषण भी लगा देते हैं और जब वो विशेषण लगा देते हैं तो मामला और भी उलझ जाता है क्यों क्योंकि जिसको हम कह मान लीजिए अगर हम कहें कि ये भौतिक संस्कृति है ये अभौतिक संस्कृति है ये इसी तरह से अगर आप इसके और विशेषण लगाते जाइए कि ये भारतीय संस्कृति है ये पाश्चात्य संस्कृति है ये भारतीय सभ्यता है ये तो ये चीजें कहीं ना कहीं और व्याख्या की मांग करने लगेंगी और जटिल होती जाएंगी लेकिन हमें इसको जटिल को भी बहुत सहज ढंग में इन्होंने ये कहा है और इसके लिए दो तीन एग्जाम्पल देते हैं पहले ये उदाहरण दे उस चीज को समझाते हैं जैसे वो चीज हमें तब समझ में आएगी जब हम उदाहरणों को समझेंगे जैसे ये दो उदाहरण देते हैं कि एक तो सबसे पहले जब मनुष्य ने आग की खोज की होगी कि पहली बार जिस व्यक्ति के दिमाग में ये बात आई होगी कि मुझे आग अगर मुझे कोई चीज़ ऐसी मिल जाए जो ए, मुझे लगातार एक ऊष्मा पहुंचाती रहे मेरे शरीर को मेरे आसपास को या भोजन के लिए वो उसको किसी भी तरह से इस्तेमाल करे ये जो सारी चीज़ें आई होंगी दूसरा वो एक एग्जाम्पल देते ये तो आग का तो चलो हो सकता वो आकस्मिक रूप से भी हो गई हो दूसरा उदाहरण तो निश्चित रूप से ऐसा नहीं हुआ होगा वो सुई और धागे का उदाहरण देते हैं देखने में ये बिल्कुल आसान लगता है लेकिन सुई और धागा देखिए कि जिस आदमी ने एक पहले लोहे की एक नुकीली जैसे कील जैसी चीज देखी होगी लोहे का फिर उसने उसका एक सिरा तेज किया होगा शार्प किया होगा और दूसरा सिरा थोड़ा सा चपटा करके उसमें सुराग करके धागा पिरोया होगा अगर वो सुई धागे को खोजने वाला बनाने वाला वो व्यक्ति अपने आप में बहुत बड़ा आविष्कार करता है क्योंकि उसके दिमाग में ये चीज आई और ये जो है अगर आप इन दो उदाहरणों से आप समझें कि एक चीज़ तो होती है जो हमारे मानसिक संरचना में हमारी चेतना में हमारे ज्ञान में हमारी जो चिंतन मनन की प्रक्रिया है उसमें होती है ये उसको कह रहे हैं कि ये संस्कृति है और उसके बाद इस पूरी संस्कृति से जो चीज़ें बनती हैं उसको ये कहते हैं सभ्यता जैसे सुई धागा बनाना है ये सोचना तो आप सोचने की प्रक्रिया सोचने का जो उसके दिमाग में आया ये है संस्कृति और फिर सुई धागे की जो जो वैरायटी बनी जो जो चीज़ें बनी वो है उसका उत्पाद वो है उसकी सभ्यता इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि एक आविष्कार करने की शक्ति है और एक दूसरा है उस चीज़ से वो हम कोई चीज़ बनाते हैं अब ये जितना आप बात करेंगे मैं जैसा कह रहा हूँ कि इसमें एक सभ्यता और संस्कृति में थोड़ा सा उलझाव अक्सर हमें दिखाई दे दे जाता है लेकिन आप इसको एक और एग्जाम्पल देते हैं फिर ये और वो एग्जाम्पल क्या है वो कहते हैं कि आप इसी को एक और उदाहरण से समझिए वो क्या है अगर हम इसको समझ पाएंगे तो वो है न्यूटन का अगर हम सब जानते हैं कि जो न्यूटन है वो भौतिक वैज्ञानिक हैं और उन्होंने हमें पहली बार उससे पहले भी था लेकिन हम हमें पहली बार जिसको कहिए इस चीज़ को बताया कि जो हमारी पृथ्वी में गुरुत्वाक्षण की शक्ति है वो किस तरह से काम करती है गुरुत्वाक्षण का जो ग्रेविटी का नियम है वो न्यूटन ने बताया और इसके सिद्धांत के आधार पे बाद में बहुत सारी चीज़ें बनी और इसी पे आप, आप समझिए वो इसको एक उदाहरण के द्वारा क्लियर करते हैं जैसे वो कहते हैं न्यूटन है दरअसल संस्कृत व्यक्ति अर्थात उन्होंने इस चीज को जानने की कोशिश की कि आखिर कोई भी चीज़ जो ऊपर जाती है वो पुनः धरती पे क्यों आती है इसके अंदर कौन सी ताकत है ये गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है वो है लेकिन अब कहते हैं कि जब ये जान गए हम तो इसके बाद क्या है कि आज ये कह रहे हैं कि बहुत सारी चीजें बनी उसके बाद लेकिन उसके आज का जो भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी है ये हो सकता है कि वो बहुत सारी बातें इस सिद्धांत के अलावा भी जानता हो देखिए इसको समझने की जरूरत है कि वो ग्रेविटी के सिद्धांत को जानता है क्योंकि न्यूटन ने उसको बता दिया इसके अलावा भी वो बहुत सारी बातें ऐसी जानता होगा जो हो सकता है कि न्यूटन ना जानते हो लेकिन यहां पे एक लेखक जो कह रहे हैं भदंत आनंद कोसलैन जी ये कह रहे हैं कि इससे ये सिद्ध नहीं होता कि वो भौतिक साइंस के विद्यार्थी न्यूटन से ज्यादा संस्कृत हैं अर्थात जो संस्कृति की अवधारणा है वो न्यूटन में ज्यादा है और विद्यार्थियों में हो सकता है बाद में वो फलीभूत हो लेकिन केवल जानकारी से नहीं और इसका एक परिणाम ये होता है कि जो संस्कृति की चीजें हैं वो संस्कृति नहीं संस्कृति की चीज़ें अर्थात जो सभ्यता की चीज़ें हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी आसानी से हमारे पूर्वजों से हम उसको सहज रूप में लेते जाते हैं और वो हमें आगे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती रहती हैं। सवाल दरअसल एक ये है कि इसमें लेखक ये बात कहना चाह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जो लगातार चिंतन करता है मनन करता है और वो निठल्ला नहीं बैठता निष्क्रिय नहीं बैठता वो दरअसल संस्कृति का निर्माण करता है जैसे इसी इसी उदाहरण को वो आगे एक्सप्लेन करते हैं उसकी व्याख्या करते हैं मान लीजिए एक व्यक्ति ने आग की खोज भी कर ली वो भी हमारे पास है रोटी कपड़ा मकान सब कुछ है सुई धागा उससे जुड़ी हुई जो कपड़े हैं उस वो भी उसके पास हैं लेकिन उसका वो पूरी तरह से संतुष्ट है उसका पेट भरा हुआ लेकिन वो खुले आकाश को देखता है रात में और बैठे बैठे सोचता है कि भाई ये आखिर क्या है ये आकाश ये इसमें देखिए एक, एक लाइन आपको दिखाई दे रही होगी कि ये मोतियों भरा थाल क्या है तो ये मोतियों से भरा थाल अर्थात ये जो चांद तारे हैं ये क्या हैं? ये कैसे काम करते हैं इस चीज को जानना भी अपने आप ये संस्कृति की तरफ इशारा कर रहा है और इसी का परिणाम है कि आज हम चांद पे पहुंच गए हैं कि रोटी कपड़े की ही मक उसकी बात नहीं थी वो उसके चिंतन मनन की प्रक्रिया की बात थी कि मनुष्य आज चांद पे भी पहुंच गया है भारत भी अपना चंद्रयान लेके वहाँ पे उपस्थित है तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमें संस्कृति और सभ्यता को देखते हुए अर्थात केवल भौतिक ज्ञान भौतिक प्रेरणा या ज्ञान की इच्छा ही है उसका कारण नहीं होता अब हमारी जो चिंतन मनन की प्रक्रिया उसकी तरफ भी इशारा कर रही थी देखिए निठल्ला व्यक्ति नहीं खोल सकता वो चिंतन मननशील व्यक्ति ही संस्कृति का निर्माण करता है इसका एक और उदाहरण देते हैं कि अब आइए संस्कृति की बहुत सारी चीज़ें हमारी भावनाओं से भी जुड़ी हुई होती हैं जो हमारे जैसे एक उदाहरण अगर हम देखें कि क्या वजह है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति खाना खा रहा है और अचानक एक व्यक्ति आता है जो भूखा है हम वो खुद नहीं खाता और उसको अपना खाना दे देता भूखे व्यक्ति को ये क्या चीज़ है इसको इसी तरह से माँ है अगर बच्चा बीमार हो जाता है तो वो उस बच्चे को लेके सारी रात गोदी में बैठी रहेगी उसकी सेवा करेगी उसको संभालेगी ये क्या चीज़ है ये दरअसल उस व्यक्ति उस समुदाय उस समाज की संस्कृति की तरफ बता रही है और इसका एक जो और उदाहरण है वो और भी उदाहरण देते हैं जैसे अगर वो बौद्ध थे और अगर वो बौद्ध उस एंगल से भी देखें तो सिद्धार्थ को क्या जरूरत थी उसके पास तो सब कुछ था लेकिन मनुष्य मात्र की जो समस्याएं थी जो कष्ट थे परेशानियां थी उनको लेके बौद्ध का जो सारा चिंतन मनन आया वो भी अपने आप में हमारी संस्कृति की तरफ इशारा कर रहा है बस मैं लगता है हम लोगों के पास समय कम है अगर जरूरत होगी तो फिर हम इस पर चर्चा करेंगे लेकिन एक बात मैं इसको कह के जो कि हमारे पाठ के आरंभ में भी थी जो बात हमने कही थी कि चाहे कोई सभ्यता हो चाहे संस्कृति हो अगर वो मनुष्य मात्र के लिए कल्याणकारी नहीं है तो वो ना तो संस्कृति है ना सभ्यता है वो असंस्कृति है असभ्यता है इसलिए किसी भी संस्कृति के किसी भी अंश को ए, स्थाई और हमेशा के लिए मनुष्य के कल्याण के निमित्त होना चाहिए तभी वो संस्कृति संस्कृति कहलाएगी अन्यथा बाकी सारे विश्लेषण सारे इसके विशेषण, वो कहीं ना कहीं असंस्कृति असभ्यता की ओर इशारा करेंगे संस्कृति है तो निश्चित रूप से मनुष्य मात्र के लिए वो कल्याणकारी होनी ही चाहिए अन्यथा वो कह रहे कूड़े का ढेर है जी जी तो बहुत अच्छी तरह से सर ने समझाने का प्रयास किया कि संस्कृति और सभ्यता दरअसल होता क्या है और मूल यही है कि कल्याणकारी होना जरूरी है संस्कृति का डॉक्टर नरेश कोहली हमारे साथ जुड़े थे सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं चाहूंगा अपने दर्शकों के साथियों का हमारे जो जुड़े हमसे जी और अब चाहेंगे अपने दर्शकों और अपने छात्रों से भी हम अनुमति सत्र को यहीं संपन्न करने की क्योंकि समय हमें इशारा कर रहा है लेकिन उससे पहले आपको एक ज़रूरी जानकारी दे दें दो और चौबीस पाठ्य सत्र के लिए अगर आपने नई पाठ्य पुस्तकें अब तक नहीं ली हैं तो अभी भी आपके सामने विकल्प मौजूद हैं आप सेल्स काउंटर्स देश के अलग अलग शहरों में जो मौजूद हैं वहाँ से आप पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं न्यू दिल्ली, बेंगलुरु अहमदाबाद कोलकाता और गुवाहाटी सेल्स काउंटर सुबह साढ़े नौ बजे से शाम छः बजे के बीच खुले रहते हैं सप्ताह के सातों दिन छुट्टियों के दिन भी आप यहाँ से पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं और इसके अलावा ऑनलाइन भी विकल्प आपके सामने है ऑनलाइन बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं इसके लिए आपको जाना है एन पर और साथ ही साथ आप हमारी जो एप्लीकेशंस या मोबाइल या वेबसाइट्स हैं उनके माध्यम से भी आप पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं और ये माध्यम मैं आपको बता दूं ये माध्यम है एन दीक्षा ई पाठशाला इनके वेबसाइट से या अप्लीकेशन के माध्यम से आप बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं और इस जानकारी के साथ अनुमति दीजिए लेकिन आप बने रहिए क्योंकि अब से थोड़ी ही देर बाद होगा कक्षा नौ के गणित के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही रोचक विषय और ये विषय है हर घर हर गली बूझो पहली तो दीजिए अनुमति लेकिन आप बने रहिए ई दीक्षा के साथ धन्यवाद